इतना तैयार इतना तैयार इतना तो बग्गी की शादी और एंगेजमेंट पे भी नहीं हुई थी। ओ माय माय गॉड, ये कैसी रील है लगाई स्टेटस पे का बग्गी की शामत आई। ओ ये पॉइंट तो रह गए हैं। तो हे एवरीवन, आज तो जो ये रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, हो सकता है मेरी जिज्जी के चेहरे के रंग उड़ जाएं। वैसे तो भैया आप सबको पता है कि इन दिनों का चल रहा है, अरे कुनबा वासियों में इन दिनों अगर चल रहा है तो बग्गा वर्सेस बाकी लोग नहीं, बग्गी वर्सेस बहन, वो भी छोटकन्नी इंडिपेंडेंट चल रहा है। तो भाई दो इंडिपेंडेंट नारियों के अहम आपस में टकरा चुके हैं। बोला था ना कि अगर दूसरी भी इंडिपेंडेंट आएगी तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मज़ा तो तभी आता है, वो कितनी भी इंडिपेंडेंट है लेकिन फिर भी इनसे, खासकर छुटकन्नी से, बहुत गुना, बहुत ही ज़्यादा गुना समझदार है। अगर सेम इनकी जैसी होती तो अब तक ना हर दूसरे तीसरे दिन लय लय दई दई होता, बहुत तेज़ी से होता, मज़े वाला होता। लेकिन कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा समझदार है, लेकिन भाई समझदारी कोई कब तक दिखावे। तो कुछ चीज़ें ऐसे ना रिएक्ट करनी पड़ ही जाती हैं। उधर झूठ की दीवानी के वीडियो देख देख के लोग का बुरा हाल है। किसी ने कमेंट करा था कि ये जो है, मैंने पूछा कि भाई ये क्या कर रही है, किसको कॉपी कर रही है। अब मतलब लोगों ने इसकी बातों को नकार दिया है, सुनना पसंद नहीं करते इसलिए इसने म्यूट रहना पसंद किया है। तो भाई किसी का कमेंट आया था ये मिस्टर बीन को कॉपी कर रही। तो खैर मिस्टर बीन तो यार क्या करेक्टर है कि आप उनका अगर कोई भी फुटेज देख लोगे हंस हंस के पगला जाओगे। कहाँ मिस्टर बीन, कहाँ अमार जज्जी, भाई साहब कोई कंपेयर तो नहीं। हाँ पर म्यूट में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर बीन देख के, जिसने नहीं देखा एक बार अगर आप उनकी कोई भी पुरानी 1 मिनट की भी वीडियो देख लो तो भी हंस के पगला जाओगे। तो असल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ना हमारे छुटकन्नी जज्जी को आग लग सकती है, तन बदन मन हर जगह लग सकती है। अब आप सोचोगे ऐसा क्या हुआ, तो जी हाँ ऐसा हुआ है। अब वो ऐसा क्या हुआ है वो हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक आपसे बात करनी है। असल में ये सही पॉइंट मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही दिया जो कि मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था। और इन सब्सक्राइबर का कहना कि विगत दिनों में जो झूठ की दीवानी से बेटा बात कर रहा था, उसने बताया भी था इंडिपेंडेंट जज्जी ने कि मेरा बेटा अपनी मासी से बात कर रहा है, झूठ की दीवानी दीदी से बात कर रहा है। तो उसके पीछे का लॉजिक भी इन्होंने बताया, लिखा हुआ है, बहुत सही लिखा है इन्होंने। असल में कुछ दिन पहले बग्गे ने अपने वीडियो में बोला था कि जो है, जो ये बच्चा है इसका दुपट्टा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह बॉन्ड रखते हैं, दुपट्टा और बच्चा, दीदी नहीं है ना। और इतना तो वो बात अपनी मौसी से भी नहीं करता है, झूठ की दीवानी से भी नहीं करता जितना दुपट्टा से। मैं जैसे भी काम करता हूँ, जैसे भी आता हूँ, कहता है मामा मामा मामी से बात कराओ, है ना। तो ये चीज़ को गलत दिखाने के लिए दुपट्टा, दुपट्टा से जो है इसका बॉन्ड है बच्चे का, है ना। लेकिन बग्गी के साथ तो चलो कल आई है, लेकिन मौसी के साथ नहीं, माँ जैसी मौसी के साथ नहीं, है ना। ये चीज़ कतई हमारी छोटी दीदी बड़ी दीदी को रास नहीं आई। इसलिए भाई ये दिखाया गया है कि देखो दुपट्टा से तो चलो बग्गा से बात करवाता है तब, है, और बग्गे ने झूठ बोला है, ऐसा कुछ नहीं। देखो खुद ही बात कर रहा मौसी से, न जाने कितनी देर से बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये गेम खेला गया, मतलब यार कितने हल्के दिमाग के हैं। हर चीज में ना इनको गेम खेलना बेहद ज़रूरी होता है। कहने का तात्पर्य है कि भाई साहब ये पॉइंट तो वाकई वजन था। और जी हाँ ऐसी बातें तो बग्गे ने बोली थी। और दीदी देखो 2-3 दिन पहले हमारी और आपकी बात हुई थी कि ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसी कोई भी क्लिप ये नहीं दिखाएंगे जिसका कोई तात्पर्य ना हो, छुटकन्नी जिज्जी खासकर। तो तात्पर्य था तभी बच्चे वाली फुटेज को दिखाया गया। अब आते हैं आज के रंगारंग कार्यक्रम पे। असल में ये वाली क्लिप देख के आप भी खूब हंसोगे, जिसने ये क्लिप नहीं देखी है। तो पहले तो मैं उसको ये क्लिप दिखाना चाहूंगी, उसके बाद में हम वार्तालाप करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो चलो दिखाते हैं। असल में ये है वो, जब मुझे अपने पति के राज में 3 टाइम का खाना और फ्री का वाईफाई आराम से मिल रहा है तो इंडिपेंडेंट होकर जॉब करके करना।
असल में ये स्टोरी लगाई थी किसने, बग्गी ने, और ये अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी कि जब मुझे मेरे पति की राज में 3 टाइम का खाना और फ्री का वाईफाई मिल रहा है तो इंडिपेंडेंट होके करना का है। वैसे इंडिपेंडेंट वाला शब्द है कौनों के दिल जिगर किडनी में बहुत ज़्यादा घुस गया होगा। देखो बग्गी, ठीक है तुमने अपने लिए लिखा है ना कि घर में तुम्हारे वाईफाई भी है और जॉब करके तुम करोगी का, तो बहन तुमको हम साफ साफ बता दें, जब तुम्हारा पति जॉब नहीं करता तो तुम्हें क्या करने के पड़े हैं। इंडिपेंडेंट तुम लोग बस यहीं से बनो, अब महीने का 60-70-80 हज़ार आ ही जाता है, तो जॉब पति करता वहाँ पर ऐसी तो ऐसे कुछ इससे कम ही मिलता है ना, तो जाहिर सी बात है कि भाई जब वो पति नहीं कर रहा तो पत्नी काहे करे। और इंडिपेंडेंट शब्द तो भाई किसी एक लड़की के लिए ही जाना जाता है, वो लड़की कौन है आप किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, आप सबको पता है वो लड़की है कहाँ, वो हमारी लड़की जिज्जी है, जिज्जी के अलावा कतई कोई लड़की नहीं है। इंडिपेंडेंट वैसे वाईफाई से भी कुछ याद आ गया, बहुत लगभग 2-2.5 साल पुरानी बात है, बग्गे ने एक विवाद करा था वाईफाई का, याद आया आप सबको, मतलब बग्गे ने मम्मी से बोला था मम्मी ए मम्मी कुछ काम कराना है मम्मी, करा लो वाईफाई का पासवर्ड मांग रहे फिर बिजी हो जाएगी इंटरनेट में। उस पर जो विवाद हुआ था उस टाइम जिज्जी का नया नया मैटर था, भाग भूख के आई थी तो लोगों ने कहा कि है तो अपनी बहन से पैसा काम कराने के लिए वाईफाई का पासवर्ड बाद में देगा जब वो काम कर लेगी तो, और तू इस प्रकार का बंदा है कि वैसे भी वो दुखियारी है बेचारी, दिन रात काम क्या करती, बच्चे को गद्दे पे लिटा के, ठंडे का मौसम था, तो इसलिए बग्गे की ये बात को काफ़ी विवाद बना दिया गया था। फिर दीदी ने भी आके सफाई दी थी, बग्गे ने भी आके सफाई दी थी कि हम लोग ऐसी बातें किया करते हैं, लोगों ने तो बात का बतंगड़ बना दिया, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा हंसी मजाक था, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मतलब बग्गे कुछ भी मजाक था। तो इस प्रकार की बातें मम्मी के पास में जाके धीमे धीमे, और जिस तरीके से बग्गे ने ये बात कही थी ऐसे लग रहा था कि बग्गा को चुगली करने आया है। तो वाईफाई से दीदी का ये कनेक्शन बहुत ही प्यारा है, वैसे दीदी सीढ़ियों बैठ कर वाईफाई का यूज करती है। वैसे जिजी तुम बिल उल देती हो कि नहीं वाईफाई का, काश कि तुम्हारे यहाँ चलता है ना 50-50, अब लगा है तो मैंने पूछ लिया, दीदी कई बार सीढ़ियों पा के बैठ जाती है, वीडियो अपलोड हो जाता है फिर चली जाती है, होशियार हैं समझदार। चलो खैर बग्गी का ये जो था वीडियो है ना, तो ये तो भाई काम कर गया, अब इस पे विवाद हो या ना हो ये हम नहीं जान सकते, लेकिन देखो भाई साहब बात में वजन है, हैं एक बार फिर से, जब मुझे अपने पति के राज में 3 टाइम का खाना और फ्री का वाईफाई आराम से मिल रहा है तो इंडिपेंडेंट हो गया और जॉब करके करूंगा। देख दाक लो भाई, अब कुछ कहानी में गड़बड़ ना हो जाए, आजकल रनन भौजाई एक दूसरे को दूसरे तरीके से जवाब दे रही, वैसे भौजाई तो बहुत दिनन तक चुप थी लेकिन अब जब ननन इतनी चंट है तो भौजाई का ही कर सकती है, अब कहीं ना कहीं किधर ना किधर तो जवाब देना बनता है, इसलिए अब भाई भौजाई भी इनडायरेक्टली इस तरीके की चीज़ें कर ही देती है, करना भी चाहिए भाई, इंडिपेंडेंट लोग देखो तब तक नहीं समझेंगे जब तक उनको उन्हीं के स्टाइल में जवाब ना मिले, और अब जब जवाब मिल रहा है तो काफ़ी हद तक समझ रही होंगी, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, क्योंकि विगत दिनों से मार घुसी पड़ी हैं, लगभग जब से बग्गी गई है जिज्जी ने इतने रंग दिखाए हैं दर्शकों, एक आम लड़की ऐसे रंग दिखाती है इम्पॉसिबल है, आप सबको पता है कि जिज्जी ऋषियाई हैं, फिर मानी है, फिर ऋषियाई हैं, फिर मानी, अब लग रहा है फिर से ऋषियाई गई हैं, क्योंकि फिर से ऊपर खिचड़ी उचड़ी चल रहा है, बातें चल रही हैं, बाकी नीचे वाला फिर से मामला टाँ फुस लग रहा है, फिलहाल का सच्चा ही आप सबको पता है। अगर बात करें इंडिपेंडेंट जिज्जी की बड़ी बहन की, तो भाई साहब जहाँ कुछ लोगों के उनके वीडियो बहुत ही ज़्यादा आत्मा को शांति पहुँचाने वाले लग रहे हैं, वहीं पर कुछ लोगों ने ऐसी बातें लिखी हैं कि का ही बताएं, वैसे इन बातों में दम तो है। एक कमेंट है जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी, आपके ब्लॉग बहुत रुके ठहरे से
सैड फीलिंग वाले लग रहे हैं, आई डोंट नो। इतनी अच्छी डाइट का क्या फायदा जब चेहरे पे चमक हंसी के की खनक आपके फेस पे रौनक ना हो, जो पहले वाली झूठी अंका में थी। आए हाय, मैं क्या ही बताऊं। तो भाई साहब, इस पे ना बहुत सारे लोगों ने एग्री करा है, बोरिंग बोरिंग विदाउट वाइज है। तो मैं आपका जो है बोरिंग ब्लॉग नहीं देखूंगा, देखने का मन ही नहीं होता। आया और खोल के चली गई। लो भाई साहब, तमाम लोग हैं जो जिज्जी के लग रहा है कि आज फॉरेस्ट प्रोडक्ट ख़त्म हो गए हैं, आज तक उन्होंने प्यार भी नहीं इस प्रकार की बातें करके हमारे जिज्जी ना एकदम। अब देखो कहीं ट्रिप बन जाएगा, किसी होटल से फिर से आ जाएंगे, तो इस प्रकार की बातें आप ना ही करिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग जहाँ जिज्जी की तारीफें कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग दीदी की आवाज़ को मिस कर रहे हैं। वैसे जिज्जा जी के लिए कितना सुकून वाला ये पल होगा, क्योंकि भाई जिज्जा जी वहाँ किचकिच पिच पिच इतने सारे स्टूडेंट के बीच में यहाँ पर आते हैं तो एकदम शांति। वैसे रियल लाइफ में तो मुख वाले जो इनके वीडियोस हैं वो चल रहे हैं, ब्लॉग चल रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में अब जिज्जा जी के सामने बोलते ही हैं या फिर चुप रहती हैं, ये तो यही दोनों जाने हैं। तमाम लोग कुछ मांग रहे हैं जिज्जी से कि जिज्जी इस और अब कर दो, कोशिश कर दो। अब हमारी जिज्जी कोशिश करेगी या नहीं करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं दर्शकों जो एकदम स्पष्ट हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब देखना जो जिज्जी का वो नौटंकी ड्रामा था ना, वो फिर से आ जाएगा। छोटी दीदी की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 तारीख का सबको इंतज़ार था, खासकर इन पति पत्नी को, खासकर पति को। 2 अगस्त हियरिंग, सुना है किसी को किसी से लेना देना नहीं है, किसी को किसी से मुक्ति मिल जाएगी। तो असल में अब ये देखना होगा कि वो हियरिंग में जिसने बोला था कि डियर मैं आपकी खुशी में खुश हूँ, क्या डियर की खुशी को पारित होने देगी, या फिर से अपना दिल जिगर जान एड़ी चोटी का जोर लगा के हैं वो वाला काम कराएगी। कौन सा भाई साहब? लटकन वाला। वैसे तो वहाँ जिज्जी कहीं भी किसी के साथ लटक बन कर चल जाती है, और अपने केस को भी लटकन ही बनाई है। तो आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वाकई में हमारी जिज्जी लटकन बनेगी, केस जिज्जा के गले में लटका के घूमती रहेगी, बस जिज्जा को हिस्से में देगी, बिल्कुल देगी, तारीख पे तारीख। और अगर कस्टडी वाला केस है तो भाई साहब, अब वो कस्टडी वाला केस कब तक चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी ना अंगूर खट्टे दिख रहे हैं अंकुश के लिए, क्योंकि वही होता है ना कि छोटे बच्चे को ज़्यादातर माँ को ही दिया जाता है, पर हम उम्मीद यही करते हैं, होप आज नहीं तो कल, कभी तो बेटा बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं हमेशा जो है छोटा रहेगा। लेकिन तब तक बात यह है ना दर्शकों, उसके मन में इस प्रकार की चीज़ें बो दी जाएंगी, इस प्रकार का जहर भर दिया जाएगा कि वो अपने पिताजी का चेहरा देखना ही ना पसंद करेगा, पिताजी के बारे में बात करना ही ना पसंद करेगा। क्योंकि जिस महिला ने जलनखोरी में ये तक नहीं बताया कि ये आपके पापा हैं, तो बाकी चीज़ों के लिए तो आप समझदार हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि बच्चा अपने बाप से नफरत करे। भले मैं खुश हूँ, मैं आध्यात्म की राह पे जा रही हूँ, आखिरी पड़ाव यही होता है, बचपन से मैं जुड़ी थी, बीच में थोड़ा सा अध्यात्म से दूरी आ गई थी, लेकिन अब अध्यात्म ही मेरा रास्ता है, अध्यात्म ही मेरी मंजिल है, हैं? वैसे तो पहले मंजिल कुछ और थी, अब अध्यात्म मंजिल हो गया है। तो देखते हैं दर्शकों, इस अध्यात्म का रास्ता में दीदी वाकई में चलते हैं या फिर वो बदले वाले भावना को ही अध्यात्म का नाम दी है। क्योंकि इतने दिनों में अध्यात्म का मतलब हम लोग तो दीदी के हिसाब से समझ चुके हैं, रियल वाला अध्यात्म क्या होता है वो भी हम लोग जानते हैं कि रियल वाला अध्यात्म का है, लेकिन दीदी का अध्यात्म तो बिल्कुल अलग है, आप लोग बेहतर ढंग से इतने दिनों से जानते हैं। बस यही जानना है कि 2 अगस्त की हियरिंग के बाद क्या जिज्जी की यही विचार रहेंगे, हैं क्या इसी तरीके से दीदी अपना तैयार श्यार होके सावन मनाएंगे। वैसे थाम लोग कह रहे हैं कि भाभी के आते ही सावन वावन मनाने लग गए, उससे पहले तो बाल तक नहीं धोती थी, बालों का गुच्छा खोपड़ी बनाए रहती थी, और अब सावन बनाए रही, मेहंदी लगाए रही। वैसे देर आए पर दुरुस्त आए, कभी किसी से अगर आप कोई सीख ले रहे हैं तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं है।
सीखना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने इनसे थोड़ा सा जीवन जीने की कला सीखी है। तमाम लोग कमेंट करते हैं जिज्जी को, मतलब बग्गी के वीडियो में मैंने कमेंट देखा था कि भाई अपनी भाभी से ही सब कुछ सीख रही हैं, भाभी के आते ही सावन मनाने लग गई हैं, विगत 2.5 सालों में तो सिर्फ टोंटबाजी ही करती थी सावन में भी, और अभी इनको सावन मनाने का। एक लोगों ने तो भाई एकदम सच्ची बात लिख दी, इतनी सच्ची कि भाई कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग सकता है, लिख दिया कि भाई जिज्जी ने तो कल इतना तैयार हुआ इतना तो बग्गे की शादी में भी तैयार ही नहीं हुई, खास कर इंगेजमेंट में जो कद्दू जैसा मुंह लगाए के गई थी, क्योंकि भाई साहब सब लोग तो अपनी गाड़ी घुड़स गए थे, हमारी जिज्जी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना पड़ा था जिससे हमारी जिज्जी ऋषि आए गई थी, लेकिन कई दिन तक चुप्पी साधे रही। जब लोगों ने बोला कि तुमने वीडियो काहे नहीं बनाया, तैयार काहे नहीं थी, तो उसने एक ही रीज़न दिया कि जिसका स्पेशल डे था मैं चाह रही थी कि वो स्पेशल डे अपना अच्छे से मनाए। मरता कहा ना करता जी, जिस प्रकार की बात है। खैर ये बात तो सही है कि जिज्जी कल जितना तैयार हुई थी उतना कभी तैयार नहीं होती, और मम्मी जी को भी बाद में कार्टून मतलब तैयार वैर करके फिर 2-4 फोटो क्लिक करके उसने अपने वीडियो में भी लगाई थी, याद है आप सबको, आपने देखा होगा। तो बात तो दिनों दिन सही चीज़ें लोग लिख देते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन आप लोगों का कितना कमाल है, निपुण है, बिल्कुल मेरी तरह आप भी चीज़ें तमाम याद रखते हैं, अब मौका पाए के इनको बढ़िया अच्छे से याद दिला देते हैं, क्योंकि भाई ये सब बिजी ब्लॉगर हैं, भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग तो इधर है ना इनको वो अपने गुजरे ज़माने की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें याद दिलाने की। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले चाची, ए चाची, चाची नमस्कार, अरे सुप्रभात, हैं चाची, लो आवाज़ चली गई, बुखार है, हैं, अरे दैया, अरे दैया कह रही हैं बड़कन्नी का वीडियो का इशारा कर रही कि अब मैं भी मौन रहूंगी, तो चाचा खुश होंगे ना बहुत ज़्यादा। चाची के चुप हो वैसे चाचा जी के ज़िंदगी में खुशी की लहर दौड़ गई है, बढ़िया है बढ़िया। देखो वैसे तो मैं आपको मना करती थी कि इन लोगों को फॉलो ना करो, लेकिन इस चीज़ में मौन में तुम फॉलो कर लो, कम से कम जितने दिन बड़कन्नी नहीं बोलेगी ईटर वाली चाची बिल्कुल नहीं बोलेंगी, मुँहें नहीं खोलेंगी, चाचा सुकून से जी पा रहे होंगे, अदरवाइज बड़कन्नी जो नौटंकी ड्रामा करती थी ये चाची सारी चीज़ें पूरा करने के लिए चाचा जिद मारती थी, अब चाचा तनिक बहुत कमाम है, ऊपर से इनके सबके इतने ज़्यादा हैं हाई फाई वाले बॉडी शॉप और दुनियादारी वाले ब्रांड हैं, तो भाई चाचा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, खाने पीने में कटौती करके चाची के लिए लाते थे, कम से कम कुछ दिन बोलेंगे नहीं तो भाई ठीक है चाची कह रही हैं, हम चाहेंगे कि बड़कन्नी ज़्यादा दिन ना बोले, तो आज के जितने दिन बड़कन्नी नहीं बोलेगी उतने दिन ही चाची नहीं बोलेंगी, झूठ की दीवानी की बहुत ही बड़ी फैन है। चलिए जी आप लोग बोलते रहिए, भर भर के कमेंट करिएगा कि कैसी लगी हैं दुपट्टा की स्टोरी जो उसने लगाई थी, कहीं हमारी जज्जी को मिर्ची लगी तो बग्गी का करें, हैं बग्गी ने तो अपना काम किया है। चलिए जी टाटा बाय बाय।